आईएनएक्स मीडिया केस में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर पी चिदंबरम पर कई गंभीर आरोप लगाए। हलफनामे में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि पी चिदंबरम और सह साजिशकर्ताओं के पास अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और फ्रांस, ग्रीस, मलेशिया, मोनाको समेत कई ऐसे देश हैं जहां पर कीमती संपत्ति थी। महेश गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ है। महेश गुप्ता, अभी तो सीबीआई की हिरासत में है पी चिदंबरम और अब ईडी जिस तरह के सबूत पेश कर रही है, मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। देखिए, अभी कह नहीं सकते चीज को, क्योंकि कोर्ट के अंदर जो उन्होंने संपत्ति की डिटेल बताई है वो ये देखना होगा कि जो आईएनएक्स मीडिया से जो डील हुई थी ये संपत्ति उसके बाद बनी है या उससे पहले की है, क्योंकि खानदानी लोग हैं, किसी की संपत्ति कभी भी कहीं पर भी किसी भी समय की बनाई हुई हो सकती है। लेकिन इनपे जो एलिगेशन है अभी वो आईएनएक्स मीडिया को लेकर है और उसके मतलब ये कि अगर आपने वहां से पैसा कमाया, उस पैसे के जरिए आपने वो संपत्ति बनाई, तब तो दिक्कत है। लेकिन अगर वो संपत्ति पहले की है तो उसका इस मामले से माना नहीं जाएगा, क्योंकि अक्सर आप देखेंगे कि ईडी और सीबीआई जो है किसी भी संपत्ति का, कोई बाप दादा की पुरानी संपत्ति भी होती है और किसी पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज करती है तो सारी संपत्ति दर्ज करके उसके मार्केट वैल्यू जो है मीडिया में रिलीज करती है। लेकिन जब हम देखते हैं कोर्ट में मामला होता है तो चार्जेस तक फ्रेम नहीं हो पाते हैं। तो उसके अंदर इशू यही है कि जो आईएनएक्स मीडिया की डील हुई है ये संपत्ति उस पैसे से कमाई गई है, उसके बाद कमाई गई है या उससे पहले की है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।